बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम लेक्चर 10 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नेम है SP3 हाइब्रिडाइजेशन। SP3 हाइब्रिडाइजेशन एक टाइप है हाइब्रिडाइजेशन की। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, उसका ब्रीफ कॉन्सेप्ट दिया था, उसकी टाइपिंग का नहीं बताया था। आज हम उसकी वेरी फर्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे, SP3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना तो उसे काइंडली एक दफ़ा सुन लीजिएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होने हैं वो उसी लेक्चर से रिलेट कर रहे होंगे। SP3 हाइब्रिडाइजेशन, देखिए वर्ड SP3 इटसेल्फ बता रहा है कि इसमें 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे। हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, तो इसमें टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे। कौन कौन से? 1s एंड 3p। अब 3p कौन से हैं? px, py एंड pz। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 5 में एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में पी के 3 ऑर्बिटल फर्दर पड़े थे, px, py, pz, ठीक है। तो यही आपस में इंटरमिक्सिंग शो करेंगे और हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट शो इंटरमिक्सिंग। तो अगर देखा जाए तो इसमें 1s है, 3p है, तो टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि 1s है, 3p है, तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। इसी को हम कहते हैं, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसको हम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल टाइप होती है। वो भी हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में अभी देखते हैं, इसी पेज पे, इसी स्लाइड पे हम देखेंगे टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है। अब देखिए हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये डीजनरेट हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये डीजनरेट किसे कहते हैं। डीजनरेट ऐसे ऑर्बिटल होते हैं जिनकी सेम एनर्जी होती है, ठीक है। तो 4 के 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुए हैं उनकी एनर्जी सेम होगी। अगर हम इनकी शेप की बात करें तो इनकी शेप टेट्राहेड्रल होती है, यही रीजन है इनको हम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और अगर हम एंगल की बात करें तो 109.5 होता है। अगर टेट्राहेड्रल शेप को एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसमें एक जो कार्बन एटम है या कोई भी ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन के साथ अटैच होता है, ये जो ये सेंटर में ये सर्कल शो किया हुआ है ये कार्बन है, ये जो पैरल कलर में सर्कल शो किया हुआ है ये दूसरे एटम्स हैं जो कार्बन के साथ बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। तो इसमें एक कार्बन एक एटम जो सा है वो इन टू द पेज है या अवे फ्रॉम यू है, ठीक है। और एक कार्बन जो सा है वो टूवर्ड्स यू होगा, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंट के लिए इनको पेपर पे इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये सेंटर में कार्बन है, ये वो एटम है जिन्होंने कार्बन के साथ बॉन्डिंग शो की हुई है, ठीक है। तो ओवरऑल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। अब इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है? 109.5। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को ज़्यादा इलैबोरेट करने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, आपको होप सो उस वीडियो से समझ आ जाएगी। ये देखिए, दिस एनिमेशन शोज 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ स्टिक एंड बॉल मॉडल ऑफ मीथेन। के लिए अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हमने इसके अंदर बॉन्डिंग डिस्कस करनी होती है, बॉन्डिंग डिस्क्राइब करनी होती है, तो हम इसको पेपर के ऊपर इस तरह से ड्रा करते हैं। इन एक्चुअल ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, इसकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। अब हम इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जो आपकी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें टोटल 2 एग्जाम्पल हैं, मीथेन है और इथेन है। हम हाइब्रिडाइजेशन में वही एग्जांपल कंसीडर करेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेट कर रही है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं मीथेन। मीथेन में अगर आप देखें तो एक कार्बन है और इसमें 4 टोटल हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, तो अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताई थी, ये है इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ग्राउंड स्टेट में ये डाइवेलेंट है, मीन्स दैट इसकी वैलेंसी 2 है, ये 2 बॉन्ड्स बना सकता है किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ। अब देखिए बॉन्डिंग में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें जो वैलेंस शेल है वो 2s और 2p है। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। अगर कार्बन एज इट इज बॉन्डिंग शो करे, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे 2 एलिमेंट्स के साथ शेयर करे, तो टोटल इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ये और 2 इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो इसने किसी दूसरे एलिमेंट से लिए हैं थ्रू बॉन्डिंग, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। स्टिल कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट के लिए जरूरी है कि इसके ऑटोमोशेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो।
तो इट्स मीन्स डैट कार्बन इज स्टिल अनस्टेबल. कार्बन की स्टेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए या कार्बन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक्साइटेशन शो करता है. ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को डिटेल से बता दिया था. कार्बन क्या करता है, एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है. इस 2s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है और 2pz में चला जाता है. ये देखें 2s में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, अब 2pz में एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया. तो ये प्रोसेस है एक्साइटेशन का. ये एक्साइटेड स्टेट है कार्बन की. ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कार्बन डाइवेलेंट है. ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कार्बन टेट्रावेलेंट है. टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो ये बना सकता है वो 4 है. अब देखें अगर ये 4 एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा, इट्स मीन्स डैट ये 4 इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट से गेन कर रहा है, शेयर कर रहा है. तो 4 ये हैं, 4 वो इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 8. अब कार्बन ने नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली है, अब ये मोस्ट स्टेबल है. हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझने पर इससे पहले इन वैलेंस ऑर्बिटल्स की शेप्स स्टडी करेंगे हम. इनको इनके बारे में कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है. अगर देखा जाए तो आप लोगों ने 5th चैप्टर में पढ़ा था कि जो एस ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल शेप होता है और कुछ इस तरह से इसकी शेप होती है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तमाम स्फेरिकल स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट होती है. इसी तरीके से 2px है, इसके 2 लॉब्स होते हैं और ये अलोंग द एक्स एक्सिस अलाइन होता है. इसी तरह से 2py है, इसके भी 2 लॉब्स होते हैं और ये अलोंग द वाई एक्सिस होता है. और इसी तरह से 2pz है, इसके भी 2 लॉब्स हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये अलोंग द जी एक्सिस हैं. ये अलाइन है अलोंग द जी एक्सिस. अब इन सब ने हाइब्रिडाइजेशन शो करनी है, 1s एंड 3p. जब ये हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप प्रोड्यूस होती है. इसमें ये लोब भी sp3 होगा, ये लोब भी sp3 होगा, ये लोब भी sp3 होगा, ये भी होगा. इन सब के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे. क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए इसमें 2s के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, 2px के पास भी, 2py के पास भी और 2pz के पास. इसीलिए इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था. तो जो sp3-4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं उनके पास भी एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप आ गई इन केस ऑफ कार्बन. अब हमने हाइड्रोजन की भी स्टडी करनी है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. इस स्लाइड में मैंने एक इमेज पुट किया है, बिल्कुल वही है जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस बताया है कि ये एस शेप है स्फेरिकल एस ऑर्बिटल की, ये px की शेप है, ये py की शेप है, ये pz की शेप है. ये हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं आपस में. ठीक है, जब इन सबको हमने कंबाइन किया तो हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप आ गई. इसका जो एंगल है वो है 109.5. अच्छा, नेक्स्ट हम अब कार्बन की हमने बात कर ली है मिथेन में कि कार्बन ने किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन शो की है, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस किए हैं, टेट्राहेड्रल शेप हमें दी है. कुछ इस तरह से हमारे पास ऑब्टेन हुई है कि ये 4 लूप थे. ठीक है, हर लूप sp3 हाइब्रिडाइज था. sp3 हाइब्रिडाइज कैसे हुआ वो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है. हर एक के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन था. अब हमने डिस्कस करना है हाइड्रोजन को. अगर हाइड्रोजन को देखा जाए तो उसमें फर्स्ट s में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा. अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ तो स्फेरिकल इसकी शेप है कुछ इस तरह से. अब देखिए ये मैंने a क्यों लिखा है, क्योंकि इधर टोटल हाइड्रोजन 4 हैं तो मैंने उन 4 को 1x1 डिस्कस किया है, 1x1 इधर ड्रॉ किया है. ये हाइड्रोजन ए, ये फर्स्ट हाइड्रोजन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 4 है. सबके पास एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और सबकी शेप स्फेरिकल है. अब इन्होंने बॉन्डिंग शो करनी है, इंट्रैक्शन शो करनी है इस टेट्राहेड्रल के साथ कुछ इस तरह से. ठीक है, इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा. हमारे पास ये ज्योमेट्री ऑब्टेन होगी. देखें ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन का स्फेरिकल एस ऑर्बिटल है. अब ये दोनों आपस में बॉन्डिंग शो करेंगे. इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है. जब ये इसके साथ बॉन्ड शो करेगा तो कार्बन के इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और हाइड्रोजन के अपने ऑर्बिटल में भी क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल जाएंगे. इसका मतलब है हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. इसी तरीके से अगर हम सेकेंड लॉब की बात करें sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के, उसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है. सेकेंड हाइड्रोजन आएगा अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ और इसके साथ बॉन्डिंग शो करेगा कुछ इस तरह से. इसी तरीके से थर्ड हाइड्रोजन थर्ड लोब के साथ बॉन्डिंग शो करेगा कुछ इस तरह से. और फोर्थ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ फोर्थ हाइड्रोजन से बॉन्डिंग शो करेगा. अब आप लोग देख रहे हैं कि ये 4 हाइड्रोजन है. हर हाइड्रोजन का
डुप्लेट कंप्लीट है, यानी आउटर मोस्ट शेल में उसके टू इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। इसी तरीके से ये फोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और ये कार्बन एलिमेंट है, ठीक है। इस एक ही जगह पे आप लोग कार्बन इसको कंसीडर करेंगे, ये कार्बन एलिमेंट है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 2, 4, 6 और 8। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन भी स्टेबलाइज हो गया है और कार्बन भी स्टेबलाइज हो गया, क्योंकि इन्होंने इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑब्टेन कर ली है, नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑब्टेन कर ली है, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से ये कंबाइन फॉर्म में लिखा है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं जो कि कार्बन ने प्रोड्यूस किए थे आफ्टर एक्साइटेशन, जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया है। इसके बाद फोर हाइड्रोजन एटम आते हैं, इनके साथ बॉन्डिंग शो करते हैं कुछ इस तरह से, और इनका जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरीके से ऑब्टेन होता है और जिसकी शेप कुछ इस तरह से। ये कार्बन है, कार्बन के साथ फोर हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग शो की हुई है और ये बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बना, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। इसमें टू इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखी जाए तो ये टेट्राहेड्रल है, 109.5 है और sp3s इसमें हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा, ये sp3s हाइब्रिडाइजेशन से क्या मुराद है? अगर मैं आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड दिखाऊँ, दिस वन, तो देखें ये कार्बन का जो और ये लूप है, लोप है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, और ये जो हाइड्रोजन का जो स्फेरिकल ऑर्बिटल है इसकी जो इसका जो नेम है वो स्फेरिकल है, ये s ऑर्बिटल है। अब चूंकि sp3 ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के साथ मिलके बॉन्डिंग बना रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं ये s sp3 बॉन्ड है, ये s sp3 बॉन्ड है, ये s sp3 बॉन्ड है, ठीक है। क्योंकि ये बॉन्ड दो ऑर्बिटल के दरमियान बन रहा है, एक sp3 और एक s, इसलिए हम इसको कहते हैं ये s बॉन्ड sp3 बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, ये वही डायग्राम है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, इथेन। इथेन में आप लोग देख सकते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 हैं, हर कार्बन टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 हैं सॉरी, और हर कार्बन के पास टोटल हाइड्रोजन 3 हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस करेंगे कार्बन की। ये CA से मुराद है कि फर्स्ट कार्बन, ठीक है, इसको कैल्शियम नहीं आपने कंसीडर करना, CA से मुराद है फर्स्ट कार्बन। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है फर्स्ट कार्बन की, मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर लिया, अब मैं इसको इतना ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगी। बस सिंपल है, ये डाइवेलेंट है, इसने फोर बॉन्ड बनाने हैं, इसीलिए एक्साइटेशन होती है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है और 2p(z) में मूव कर जाता है। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें, ये उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप ऑब्टेन होती है, वो मैंने आपको बता दिया प्रीवियस स्लाइड में। अब देखिए, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो मैंने उन 3 हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है। 3 हाइड्रोजन फर्स्ट s होता है, उनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और स्फेरिकल इन शेप होता है। इसी तरीके से अब मैं सेकेंड कार्बन को डिस्कस करती हूँ, ये फर्स्ट कार्बन की मैंने डिटेल बताई है, अब मैं आती हूँ सेकेंड कार्बन पर। सेकेंड कार्बन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल ऐसे ही असाइन मैंने की है, बस डिफरेंस जो ये है वो ये है कि इधर मैंने CA मेंशन किया, इधर CB। CA मतलब फर्स्ट कार्बन, CB मतलब सेकेंड कार्बन। इसी तरीके से इन ऑर्बिटल्स ने आपस में हाइब्रिडाइजेशन शो की है और हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस किए हैं, दिस वन, ठीक है। इन सबके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से सेकेंड कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो मैंने उनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे अटैच की है, इसके साथ ही मेंशन कर दी है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रीवियस स्लाइड में हम स्टडी कर चुके हैं। अच्छा जनाब, तो अब हमने क्या करना है? अब हमने इनके दरमियान बॉन्डिंग डिस्कस करनी है, ठीक है। अब इनके दरमियान बॉन्डिंग कैसे होगी वो देख लेते हैं। ये हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, जो कि कार्बन ने आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूस किए हैं। ये वो 3 हाइड्रोजन हैं जिन्होंने इस कार्बन के साथ अटैच होना, ये कार्बन फर्स्ट कार्बन की मैं बात कर रही हूँ, ये फर्स्ट कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ये वो हाइड्रोजन है जो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हैं, इन्होंने इसके साथ बॉन्डिंग शो करनी है। ये सेकेंड कार्बन की मैं बात कर रही हूँ, ये सेकेंड कार्बन है, दिस वन, उसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं 4 टेट्राहेड्रल शेप में, 109.5 एंगल में, और ये वो 3 हाइड्रोजन हैं जो कि सेकेंड कार्बन के साथ अटैच हैं, ठीक है। अब इनकी बॉन्डिंग किस तरह से होगी वो देखते हैं। देखिए, ये हाइड्रोजन एस ऑर्बिटल है फर्स्ट हाइड्रोजन का, ये बॉन्डिंग शो करेगा इस कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ कुछ इस तरह से। एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है हाइड्रोजन में, तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। सिमिलरली ये सेकेंड एस ऑर्बिटल हाइड्रोजन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ आके कंबाइन करेगा और बॉन्डिंग शो करेगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बॉन्डिंग डिवेलप होगी। इसी तरह से थर्ड हाइड्रोजन एटम कार्बन ए का, वो थर्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग शो करेगा कुछ इस तरह से।
अब ये जो तीनों बॉन्ड्स डिवेल्प हुए हैं ये sp3s के बिटवीन हुए हैं, यानी कि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल था और कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल था। इन दोनों की ह्यूमन बॉन्डिंग डिवेल्प हुई है, इसीलिए इसको बोला है s sp3। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड कार्बन के तीन हाइड्रोजन इसके साथ आके अटैच हो जाएंगे, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इधर उन्होंने कार्बन ए में अटैच हुए हैं। अब रिमेनिंग हमारे पास ये दो ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अभी पड़े हुए हैं, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन तो कोई रिमेनिंग बचा नहीं है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 थे, वो हमने कंज्यूम कर लिए हैं। इस साइड में ये तीन हाइड्रोजन कंबाइन हो गए, इस साइड में ये तीन हाइड्रोजन कंबाइन हो गए, वो हमने यूटिलाइज कर लिए हैं। अब क्या होगा, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को, इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को जब कोई ऑर्बिटल बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होगा, ये आपस में बॉन्डिंग शो करेंगे। ये देखिए इन्होंने आपस में ओवरलैपिंग शो की है, हेड टू हेड ओवरलैप। आप केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हेड टू हेड ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब देखिए ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो ये इंटरेक्शन कौन सी है, sp3 sp3। ठीक है, अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसको sp3 क्यों कहते हैं और इसको sp3 sp3 क्यों कहा है, क्योंकि जो बॉन्डिंग डेवलप हुई है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान हुई है, रिजल्टेंट टू इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। इसमें जो बॉन्डिंग डेवलप हुई है वो sp3, s मीन हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है और कार्बन का sp3 ऑर्बिटल है। ठीक है, ये हमारे पास बॉन्डिंग डेवलप होगी। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, देखें ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये इसके हाइब्रिडाइज्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये इसके चार हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। इसी तरह से इस कार्बन का फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, फोर इसके भी टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। अब फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है CH3, सेकेंड कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है CH3। अब इस कार्बन का एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस कार्बन के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग शो करता है, sp3 सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस करता है। अगर वैसे इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस तरह से है, साइडों पे तीन तीन हाइड्रोजन अटैच हैं, इस साइड लेफ्ट साइड पे भी तीन हैं और राइट साइड पे भी तीन हैं, और सेंटर में कार्बन ने आपस में बॉन्डिंग शो की है, और जो टोटल एंगल है 109.5 का होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ इथेन था। आज हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी किया है, जिसमें हमने 2 एग्जाम्पल कंसिडर की थी, फर्स्ट वन इज मिथेन, सेकेंड वन इज इथेन। तो आप लोगों ने जो इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें जो आप लोगों ने याद रखने वाली बातें हैं वो एक ये है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, सेकेंड इसका आपने शेप याद रखनी है, मतलब इसमें टोटल आप लोगों ने 3 चीज़ें याद रखनी है, डेफिनेशन, शेप और एंगल याद रखना है। एंगल इसका 109.5 होता है डिग्री में, और जो इसकी शेप है टेट्राहेड्रल होती है, डेफिनेशन आपको फर्स्ट स्लाइड पे बता दी थी। इसके बाद जितनी भी एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को बताई है वो आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में इसको ड्रा करना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। तो बाकी आप लोगों ने इस लेक्चर से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इस लेक्चर को अच्छे से समझना है, उसके बाद बुक पे जो आपकी ये 2 एग्जांपल मेंशन है इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन आपने ये लेक्चर सुनने के बाद उसको एक दफ़ा रीड आउट करना है। होप सो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।